हेलो फ्रेंड्स, जे एस ओम डी इन सिविल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 45 व 30 का पूर्व मुखी घर का नक्शा, वो भी पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसका पूरा डिटेल्स हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इधर फन साइट, इधर इधर यहाँ से एंट्री होती है। इधर आपका पार्किंग एरिया है, इसका साइज है 10 फीट का, 10 फीट का, ठीक है। और इधर आपका मेन डोर, इसका साइज है 4 फीट। इधर आपका एक छोटा सा पूजा रूम, इसका साइज है इस तरफ 6 फीट 8 इंच, यहाँ से यहाँ तक के इस तरफ 4 फीट, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर आपका बेडरूम, इधर एक विंडो है, इसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट का, ठीक है। इधर आपका हॉल, इसका साइज है 11 फीट। इधर एक विंडो है, इधर 17 फीट 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक की इधर 27 फीट, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर आपका डाइनिंग एरिया, इस तरफ एक विंडो है, इसका साइज है 12 फीट, यहाँ से यहाँ तक की इस तरफ 20 फीट, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर आपका किचन, इस तरफ एक विंडो, इधर एक विंडो है, इसका साइज है इस तरफ 12 फीट, यहाँ से यहाँ तक की इस तरफ 10 फीट, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इधर सीढ़ियाँ से ऑफ होगा, यहाँ से यहाँ लैंड। इधर एक वेंटिलेशन, इसका साइज है 6 फीट 8 इंच, 12 फीट का, ठीक है। और इधर आपका बेडरूम, इस तरफ एक विंडो, इधर एक विंडो है, इसका साइज है इस तरफ 12 फीट, इस तरफ 10 फीट, ठीक है। आपका टॉयलेट एंड बाथ, इधर एक वेंटिलेशन है, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज इधर 4 फीट, इधर 6 फीट 6 इंच, ठीक है। इधर आपका टॉयलेट एंड बाथ, इधर एक वेंटिलेशन है, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 4 फीट बाय 6 फीट 6 इंच। इधर आपका बेडरूम, इसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट का, इस तरफ एक विंडो है, ठीक है। और इस नक्शा का इनसाइड और आउटसाइड वॉल 10 इंच का है, ये दोनों वॉल 5 इंच का है, ये वॉल 5 इंच का है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर इस घर का नक्शा आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।